ऐसे बॉलीवुड लॉजिक वाले वीडियोस जो कि साइंस के नियमों को मानते ही नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करेंगे क्योंकि हम ज्यादा देरी करने वाले हैं नहीं वीडियो देखने में, तो चेक करते हैं। भाई गोली मार रहा है, गिल्ली डंडा की गिल्ली मार रहा है भाई। गोलियों को तो ऐसे फेस कर रहा है ना जैसे कोई बड़े बड़े लकड़े फेंक रहा हो। क्या है भाई, वो गोली मार रहा है, कुछ और थोड़ी मार रहा है भाई। ओहो हो रजनीकांत सर, ओहो मटकों से रोक दिया भाई की मशीन गन्स की गोलियों को, मटके से रोक दिया इन्होंने तो। कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड आता है उसको भी फेल कर दिया। काश ये चीज होती कैप्टन अमेरिका के पास, तो ऐसा सीन होता कुछ कैप्टन अमेरिका का एवेंजर्स के साथ। एक पैर जमीन पे मारा जिसके हिसाब से पूरी की पूरी इतनी भारी गाड़ी हवा में उछल गई। भाई ये कहाँ का लॉजिक है यार, ऐसे लात मारने से गाड़ी हवा में जाती तो मैं तो दोनों लात मार के ट्रकों को सबको हवा में लेके जाता ना यार, मतलब नहीं है ऐसा लॉजिक। ओहो भाई ने गोली छोड़ी, गोली गई मिसाइल गन की तरह, और भाई एक हाथ से बाइक को पकड़ो और ऐसे हवा में लेके गया जैसे कोई रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च हो रहा है। दूसरे हाथ से पकड़ लिया उस बच्चे को, तो भी गाड़ी का बैलेंस वैसा का वैसा ही है और एक हाथ से गाड़ी हवा में जा रही है। अरे भाई एक काम करो, इन लोगों को तो नासा वालों के पास भेज देना चाहिए जिससे रॉकेट में इतना ज्यादा खर्चा होने से बच जाएगा और इंडिया के बहुत से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट नासा के पास पहुंच जाएंगे। अरे भाई वो गाड़ी के आगे कूद रहा है बंदा और गाड़ी के चारों तरफ के दरवाजे खुल जाते हैं और गाड़ी के अंदर से सबके सब मेंबर निकल जाते और पीछे से गाड़ी खड़ी हो जाती है। ये क्या लॉजिक है भाई, ऐसा साउथ की मूवी में हो सकता है बाकी कहीं पर भी नहीं हो सकता। वाह पर बॉलीवुड से तो अच्छी है। बंदे ने चाकू फेंका, चाकू गया बिल्कुल स्लो स्पीड में, जैसे चाकू जाके उसको देगा चुम्मा और वापस जैसे आ जाएगा। और ये बंदे ने सिर्फ चाकू को इशारा किया कि तू वापस चला, जैसे चाकू इसका पालतू हो, और ये चाकू जाके डायरेक्ट विलन के लग जाता है। भाई ऐसे कोई चाकू तो हमको भी लाके दो, हम भी थोड़ा काम काज करे यार। क्लच छोड़ते ही गाड़ी पहुंच गई हवा में, हवा में तो पहुंच ही गई। उसके बाद वो भी गाड़ी कौन सी है ध्यान से देखो, जहां तक तो है बुलेट। बुलेट इतनी भारी गाड़ी होने के बाद ट्रेन के ऊपर से दूसरी तरफ पहुंच गई और बंदा सीधा का सीधा गाड़ी को लेकर वहां पर लैंड हो गए और ट्रेन उसी टाइम पूरी हो गई। तो भाई दो मिनट रुक नहीं सकते थे क्या, इतने जोखिम लेने की क्या जरूरत थी। और अगर इतना ही जोखिम लेने का शौक था तो ट्रेन के नीचे से निकालते हैं, ऊपर से निकालने का क्या लॉजिक था खतरे के लिए।